भाई बहुत शुरू से लगे हुए हैं, यहाँ तक हम 70-75 साल के उड़ जा रहे हैं, अभी भाई मेरे रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन हम गाल बजाते हैं ढपली से, प्लानिंग करते हैं। डॉक्टर साहब ने बोल दी थी, प्लानिंग दे दी कि भाई स्कूल खोलो। अरे स्कूल खोलने के बातों से खुल जाएंगे, बैठो कमेटी बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, और हम इतने मरे गिरे हैं क्या कि हमें 50-50 10-10 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, हमें कलेक्शन करो, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। बात हम भाषण कर देते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बना देते हैं, लेकिन प्लानिंग कामयाब नहीं हो पा रही हमारी, मनुवादियों के सामने हमारी प्लानिंग को ध्वस्त कर रहे हैं। ऊना कांड हो गया, रोहित बेमलो कांड हो गया, अभी देख लो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, यह सब हम देखते रहते हैं। गूंगे हो गए, बहरे हो गए, क्यों हो गए हम लोग गूंगे बहरे? हम इतने लुंज नहीं हैं, अब हम इतने लुंज पुंज नहीं हैं, हम इतने लंगड़े लूले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से, मानवर काशीराम जी के उससे आंदोलन से, और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों से हम ओतप्रोत हैं। ओतप्रोत तो हैं, यहाँ सुन लेते हैं, इधर निकाल करके चले जाते हैं, घर जाके सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अरे प्रेरणा लो, मानवर काशीराम ने आजीवन आंदोलन किया, निस्वार्थ किया, हमने पैसा भी कमा लिया है, मकान भी चार चार बना लिए हैं, अरे कुछ तो त्याग करना सीखो। अरे जो आप समय नहीं दे सकते हो, श्रम नहीं दे सकते हो, तो कम से कम प्लानिंग में साथ दो। आपको 10 रुपये की क्षमता है, आप 10 रुपये दो, 100 रुपये की क्षमता है, आप 100 रुपये दो। मतलब कुछ असल में क्या है कि हम लोगों को ठगा गया है, कुछ लोगों ने ठगा है, और हम लोग भी, हमारे डॉक्टर साहब हैं, भाई विनोद हैं, जो भी कोई हैं काम करने वाले हैं, वो विश्वास नहीं रहा, और हमारा त्याग की भावना हम लोगों में नहीं है कि हम कुछ दें। जब हम कुछ त्याग करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, शक्ति लगाएंगे, संगठित होंगे, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। आज हम इतने पीछे नहीं हैं, 17 साल पीछे नहीं हैं। जब आपको पढ़ने लिखे स्कूलों में नहीं बैठा था तो एडमिशन मिलता था, बाबा साहब अम्बेडकर भी खुद जो है स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ते थे, यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ने के लिए, वो ब्रिटिश गए थे, वहाँ से उन्होंने इंग्लिश में संस्कृत सीखी थी। तो यह मनुवादियों की चाल है। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनको कीचड़ मारते थे ब्राह्मण लोग, कोर्ट में केस किया गया और उनको गंदा करते थे। सावित्रीबाई फुले जी अपने पति के साथ में बैठ करके रोई कि मैं नहीं ये काम करती, आप जाओ। उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, इन लोगों से सुलटने में हमें टाइम लगेगा। तो उन्होंने समझाया कि अरे कोई बात नहीं है, वो कीचड़ मारते हैं, आप जो है एक जोड़ी कपड़ा पहन के जाओ और दूसरा एक जोड़ी वो अपने बैग में रख के ले जाओ। तो श्रीमान जी, मेरे का इशारा आ गया है, मैं संक्षिप्त में बोलूँ, निवेदन आप लोगों से यह है, राशन पर भाषण न दें, कुछ काम करने की बात करें। बैठे हैं हमारे लोग, वही ऑनेस्ट भी हैं, डॉक्टर साहब आजीवन फड़फड़ाते रहते हैं अभी तक भी, हैं लग रहे हैं कहीं ना कहीं कर रहे हैं काम, और मुझे देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ आंदोलन में इनके साथ होता हूँ, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब तो पैसे से होता है ना, हम अकेले कैसे कामयाब हो रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, सामाजिक काम में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सामाजिक काम में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? इसलिए कि भाई कुछ त्याग की भावना लाओ, बलिदान की भावना लाओ, तो हम सब लोग जो है कामयाब होंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। मैं इसी बात के साथ में, क्योंकि मेरे को इशारा 2 बार मिल चुका है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।